मुन्ना है ना आपके पास? ठीक है, तो जो हम लोग बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की, तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो एनिमल है या ऑर्गेनिज्म हम बोल रहे हैं, तो उन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक क्लासिफिकेशन का तरीका है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का है। प्रोकैरियोटिक जो एज वेल यू ऑलरेडी लर्न दैट द ऑर्गेनिजम्स और द सेल्स विच डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस known as prokaryotic cells, means those organisms which do not have a well-defined nucleus are considered to be in the Moonra. Okay, so वो सारे animals क्या हैं? वो Moonra में होंगे. और it is obvious that they are unicellular, means one cell performs all activities of the whole organism, means respiration, excretion, okay, so all the activity, digestion. All the activity are performed by the once unicellular organism. Means उसका अंदर जो सेल है वो एक ही सेल पूरे एक्टिविटी को परफॉर्म कर ले जाएगा। फिर हम आगे जब देखते हैं इसमें सेल वॉल नहीं होगी, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिनमें आपको क्लासिफाई करना हो। आप मान लो एक एक्सप्लोरर हो गए, आप कहीं एक्सप्लोर करने गए, ऐसे कंट्री में चले गए और आपको वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स मिलते जा रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, आपको क्लासिफाई करना हो कि ये मोनरा में आएगा, प्रोटिस्टा में आएगा, फंगियम आएगा, एनिमिलियम आएगा, प्लांटी में आएगा, कैसे पता चलेगा? तो पहले तो आपको पता चलना पड़ेगा वो ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, ये देखने से पता चल जाएगा। ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेटिक होगा, अगर ग्रीन नहीं है तो नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। फिर उसके बाद आपको देखना है क्या उसमें सेल वॉल है कि नहीं, तो हम कैसे ये पता कर सकते हैं? हम उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर न्यूक्लियस को देखेंगे, हम उसको क्लासिफाई कर ले जाएंगे कि दिस मे बी बिलोंग्स टू द मोनेरा, ठीक है ना। तो ये सारे माइक्रोस्कोपिक ही हैं, ये आपको कोई आंख से दिखने वाले नहीं है। बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और माइकोप्लाज्मा जो होगा, वो ये चार जो हैं इस फाइलम के इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, ये मोनेरा में ये चारों हैं, यानी कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा जो है वो मोनेरा में है, ठीक है ना। उसी तरह आपका प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जो है वो क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है ना, उनको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी क्या है, ये वाटर वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है ना। और इनकी बॉडी पे सीलिया, सीलिया पैरामीशियम में देखेंगे, या आप ब्रश लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं जो कि स्विमिंग के लिए बेसिकली होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सीलिया का रोल, सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया भी किसी ऑर्गेनिज्म में हम सीलिया बोलते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म में हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो फ्लैजिला और सीलिया दोनों ही आइदर दे आर फॉर स्विमिंग पर्पस और फॉर सेंसरी पर्पस, ठीक है ना। इसको ये टैंगो रिसेप्टर बोलते हैं कि यानी कि इनको टच करने से ही ऑर्गेनिज्म ईडेबल नॉन ईडेबल ये सारे इनको चीज़ें इनको पता चल जाती हैं, तो ये जो रिसेप्टर का एक तरह काम करते हैं। अब देखो, अब ये हो गया क्या, पहला तो इसको प्रोटिस्टा के अब करेक्टरिस्टिक फीचर समझ लीजिए कि यूकैरियोटिक हो गए, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ये भी होंगे, एक्वेटिक में पाए जाएंगे यानी एक्वेटिक फॉर्म्स में, और इनके बॉडी पे सीलिया या फ्लैजिला होगा। और इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक दोनों हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एल्गी आपको ये जनरली आप दिखते होंगे, जितना रामगढ़ ताल आप देखिए, रामगढ़ ताल का पानी जो है वो हरा दिखता है। क्यों दिखता है? वो एल्गी की वजह से है, वहाँ पे एल्गी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ का जो वाटर है वो ग्रीन दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्गी। अब जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनमें इनकी ग्रोथ बहुत शानदार होती है, यानी दे नीड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो पूरा रामगढ़ ताल जो है वो क्या है, उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट, शहर का स्थिति में ये नाइट्रोजनस वेस्ट है वो वहीं ज्यादा डंप होता है, तो उसमें उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होती है। तो ये पूरा वाटर को ही ग्रीन बना दिए हैं, ठीक है ना। अब क्या है, डायटम्स हैं, ये भी क्या है, ये भी प्रोटिस्ट है, इनमें सेल वॉल होती है, इनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। अब आ जाइए जो लास्ट प्रोटोजोआन, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इन्हीं की है प्रोटोजोआन्स में है। ये मोस्टली क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, ये हमेशा डिजीज ही कॉज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक तो हैं, ठीक है ना। तो पहला हो गया मोनरा जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, प्रोटिस्टा जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर ये भी हैं वो भी यूनिसेलुलर है,
फ्लैजिला इनमें होता है, ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट भी हो गया। थर्ड जो है आपका वो है फंगिया, फंगिया या फंजाई भी बोलते हैं हम लोग, फंगी बोलिए आप या फंजाई बोलिए, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं फंगी सही है, कुछ लोग बोलते हैं फंजाई सही है, ठीक है, तो हम लोग फंगी बोलते हैं। दे आर यूकेरियोटिक, ठीक है, इनमें भी न्यूक्लियस होगा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं दोनों में केस में, और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है ना, एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो जब क्लोरोफिल नहीं है, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे आर नोन एज हेटरोट्रॉफिक, दे डिपेंड फॉर देयर फूड, सो दे आर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक, मीन्स वॉट, दे derive the nutrition from decaying organic matter, means they work, they feed on the dead organic matter, means dry leaves of the plant, dead remains of animals, okay, जितने भी organic parts हैं उनसे ये feed करते हैं और अपनी life को sustain करते हैं। और इनमें जो organisms पाए जा रहे हैं फंजाई में, वो एसोसिएशन में रहते हैं, एसोसिएशन मतलब यानी दो ऑर्गेनिज्म मिल करके एक साथ रहते हैं, और इस एसोसिएशन में एक एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रहते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल इसका देखेंगे तो आपका ईस्ट है, एस्परगिलस है, पेनिसिलियम है, एगेरिकस है, लाइकेन है, ये जो है ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर शो करते हैं इस फंगिया ग्रुप का। आपको दिख रहा होगा ये सारे डायग्राम को दिख रहे होंगे स्लाइड में, तो ईस्ट हो गया, एग्रिकस हो गया, लाइकेन हो गया, एस्परजिलस हो गया और पेनिसिलियम हो गया, ये आपके फंगिया के हैं। तो इसका इसको आप कैसे मोनरा और प्रोटिस्टा से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट इस तरह कर सकते हैं कि ये क्या इनमें ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, ठीक है, यानी दे कैन नॉट मेक और प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओके। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया। यूकेरियोट में क्या होता है, यूकेरियोट यानी कि प्रोटिस्टा में क्या था, ये फोटोसिंथेटिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकता है, वो मल्टीसेलुलर नहीं हो सकता है कौन, मोनरा, ठीक है। तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि जब हम पढ़ेंगे ना तो हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ना आसान हो जाएगा और हमारा डिफरेंस भी एक साथ तैयार होता जाएगा। तो कभी भी जब हम स्टडी करते हैं तो हम इनको एक साथ कोरिलेट करके पढ़ते हैं, जैसे कि हम एक को याद कर रहे हैं दूसरा अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आप उससे इसके नाम से ही आप समझ जाते हैं, आप बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लांटी। तो प्लांटी मीन्स वॉट, प्लांट मल्टी सेलुलर, यूकेरियोटिक एंड हैविंग सेल वॉल, तो इनके पास क्या है, सेल वॉल्स होती है, यूकेरियोटिक यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और दे यूज क्लोरोफिल फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स हैं, यानी कि इस क्लासिफिकेशन में वो सारे ऑर्गेनिज्म्स आएंगे जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, यानी कि उनके पास क्लोरोफिल होगा, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो सारे क्या हैं, वो प्लांटी ग्रुप में ही रखे गए हैं, यानी जितने प्लांट हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा आप देखें एग्जांपल्स में, तो इसको हमने फाइव ग्रुप में बांटा हुआ है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें क्या हो गया, आप जितने भी प्लांट हैं उनको हम अगर कैटेगराइज करें तो फाइव ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको वन बाई वन जब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो उनको हम वन बाई वन सारे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन में उसका भी आपको थोड़ा थोड़ा बता भी दें, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये फाइव टाइप, ठीक है। प्लांटी ये हो गया, यानी प्लांट यानी कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर इन दिस ग्रुप एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ओके। नाउ द लास्ट दैट इज एनिमिलिया, एनिमिलिया इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स which are heterotrophic, multicellular, and do not have chlorophyll in the cell wall. और इनके पास ना ही क्लोरोफिल होता है ना ही सेल वॉल होती है। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे इनमें सेल वॉल है, ठीक है ना, सिर्फ मोनरा में सेल वॉल नहीं है,
और ये क्या है, हेटरोट्रॉप्स है, यानी कि ये अपना फूड दूसरों से डिराइव करते हैं, ठीक है ना। और इनको अगर हम डिवाइड करें तो इनका जो डिवीजन है वो, अभी देखिए यहाँ पे डाइवर्सिटी आ जाएगी, यहाँ पे जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक का जो मेन कंटेक्स्ट है वो आपके सामने आ गया कि दे आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स। तो क्या है, पहला हो जाएगा पोरीफेरा, फिर है सिलेंट्रेटा, तीसरा है प्लेटिहेलमिन, चौथा है निमेटोडा, पांचवा एनिलीड्स, छठा आर्थ्रोपोड्स, सातवां मोलस्का, आठवां इकानोडर्म्स, नौवां प्रोटोकॉर्डेट, और लास्ट जो है 10th वो है वर्टिब्रेट। ठीक है, तो ये जो है ना, आपके यहाँ पे जो ग्रुप्स दिख रहे होंगे इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिसको ये कैरी करते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही इनको अलग करते हैं, और इनको हम उसी एनिमल्स में पढ़ेंगे। जैसे पोरीफेरा को आप बता दें तो पोरीफेरा में वो सारे एनिमल्स आएंगे जो कि मेरीन होंगे, इनकी बॉडी पोरस होगी, ठीक है, तो पोरीफेरा हो गया, और स्पंज लाइक बॉडी होगी, ठीक है, पोरसिटी बहुत ज्यादा होती है। सिलेंट्रेट्स में क्या होते हैं, वो सारे एनिमल्स जिनका माउथ सर्कुलर होता है वो सिलेंट्रेट्स में आएंगे। प्लेटिहेलमिन्स ये वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, वो वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, एस्करिस हुआ, ये इसमें आते हैं। ये मोस्टली इसमें जो एनिमल पाए जाते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, यानी कि हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए। निमेटोड्स ये क्या होते हैं, इनका माउथ जो होता है वो सेक्टोरियल होता है और पंक्चरिंग नीडल लाइक होता है, जिससे कि ये प्लांटेड के रूट्स के जो जूसेस होते हैं उनको सक करते हैं। नेक्स्ट जो है एनिलीडा, आपको दिख रहा होगा एनिलीडा क्या है, एनिलीडा में वो सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी में सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन मतलब क्या, इनकी बॉडी जो है वो सेगमेंट से मिलकर बनी होती है, और ईच सेगमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे आपका अर्थवर्म है, अर्थवर्म को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें हैंड लेंस से, मैग्नीफाइंग लेंस से, तो आपको दिखेगा कि उसकी बॉडी जो है वो सेगमेंट से डिवाइडेड होती है, और ई सेगमेंट जो है वो इक्वल होते हैं, उनको मेटामर्फ बोलते हैं, ठीक है ना। फिर है आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में आपका एग्जाम्पल है जो प्रॉन है, ठीक है, प्रॉन जो होता है, और स्कॉर्पियन है, ये सारे जो है, ये दोनों जो है ये किस में आते हैं, ये आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, आर्थ्रोपोडा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी पे हार्ड काइटिनस कवरिंग होती है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है मोलस्का, जितने भी स्नेल्स हैं, घोघा आप लोग सुने होंगे, वो मोलस्क में आते हैं, उनकी बॉडी पे भी हार्ड कैल्सिकेरियस कवरिंग होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो इकानोडर्म्स जो स्टार फिशेस में आती है, जिसमें 5 आर्म्स होते हैं, इनकी बॉडी में बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी कि किसी भी प्लेन से इसको कट करें इनकी बॉडी मिरर हाफ हो जाती है, यानी एक पार्ट आप कट करके अलग कर दें और वहां पे मिरर रख दें तो सेम जो आपको पोर्शन मिरर में दिखाई देगा वैसा ही इसका पार्ट होगा, इनको किसी भी प्लेन से हम काट सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कनाल सिस्टम होती है, तो ये सारे कैरेक्टर से फीचर देख करके हम इनको अलग किए हैं, डिफ्रेंशिएट किए हैं, और फिर हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो इतना सा जो है ये सारे क्या है, ये लोअर नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि सबसे पहले अर्थ पे ऑब्जर्व हुए एनिमल्स हैं, उनके बाद इवोल्यूशन के थ्रू धीरे 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 मिलियंस ईयर्स का टाइम लगा, उसके बाद जो है ऐसे एनिमल्स आए जिनमें बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड, जैसे आपकी बॉडी में क्या है, सर